कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। नानाजी देशमुख जब तक जिए, भारत के ग्राम जीवन की खुशहाली के लिए तिल तिल क्षण क्षण साधना करते रहे। यह सच है कि ऐसा करने वाले महापुरुष देश में और भी हैं, लेकिन नानाजी जैसे लोग देश में विरले ही होंगे। नानाजी की इस अनथक लोक यात्रा को मृत्यु भी विराम न दे सकी। उन्होंने अपने शरीर को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु दान दे दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए साक्षात प्रकाश पुंज बन गए। उनकी पार्थिव देह आज भी नश्वर संसार में है। उन्होंने चिकित्सकीय शोध के लिए मृत्युपरांत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को देह दान करने की घोषणा अपनी अंतिम वसीयत में ही कर दी थी। मैं नाना देशमुख, पुत्र स्वर्गीय श्री अमृत राव देशमुख, आज दिनांक 11 अक्टूबर 1997 को दिल्ली में अपनी अंतिम वसीयत घोषित करता हूँ। मेरी यह मानव देह मानव मात्र की सेवा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा वरदान के रूप में मुझे प्राप्त है। उसी की अनुकंपा से मैं आज तक इस देह द्वारा मानव सेवा करता आया हूँ। मेरी मृत्यु के बाद भी इस देह का जरूरतमंदों के लिए उपयोग किया जाए, यह मेरी एकमेव अभिलाषा है। मैंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है। अपने सहयोगियों एवं हितचिंतकों से भी चर्चा की है। स्वस्थ मन, संतुलित मस्तिष्क एवं सुदीर्घ चिंतन के उपरांत मैं स्थिरमति होकर अपने शरीर को अर्पित करता हूँ। मैं इस विषय के द्वारा अपनी मृत्यु के पश्चात अपने उपरोक्त व अन्य सभी अंगों को चिकित्सकीय उपयोग के लिए निकालने का अधिकार उस कार्य के लिए सक्षम व्यक्तियों को देता हूँ। यह दान एवं अधिकार निश्चित, अपरिवर्तनीय और किसी भी अवस्था में वापस नहीं लिया जाएगा। मैं एतद् द्वारा शरीर के शेष अवयवों को भी ऐसे मेडिकल कॉलेज या अन्य संस्थान को दान करता हूँ जहाँ इसकी चिकित्सकीय या वैज्ञानिक शोध के लिए आवश्यकता हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी और अन्य संबंधी इस दान को ही मेरे शरीर का अंतिम संस्कार माने। यह मेरे जीवन की चिरवांछित अभिलाषा रही है। किसी भी अन्य प्रकार की विधि की आवश्यकता इस देहदान की विधि के बाद नहीं रहेगी। मैंने अपनी मृत्यु के स्थान से मेरी देह को उपयुक्त मेडिकल कॉलेज, अस्पताल या अन्य उपयुक्त संस्थान तक पहुंचाने के लिए 11,000 रुपए का ड्राफ्ट दधीच देहदान समिति को सौंप दिया है। मैंने अपने इस वसीयत पत्र पर आज मेरी पुत्री श्रीमती कुमुद सिंह एवं पुत्र हेमंत पांडे की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
इन दोनों ने मेरे अनुरोध पर मेरी व परस्पर की उपस्थिति में इस इच्छा पत्र पर गवाह के नाते हस्ताक्षर किए। मार्च 2010 को नई दिल्ली में दीनदयाल शोध संस्थान की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नानाजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। इस कार्यक्रम में पूरे देश के कोने कोने से विविध संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीति से जुड़े लोगों ने उपस्थित होकर इस राष्ट्र ऋषि को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय से नानाजी के संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दोनों महापुरुष राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि मानते थे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने जीवन के अंतिम वर्ष और वो दो चार नहीं लेकिन लगातार 20-25 वर्ष इस प्रकार से कार्य किया हो और फिर ऐसी अवस्था में किया हो कि जब शरीर चाहे स्वस्थ था, मन स्वस्थ था, क्षमता बहुत थी लेकिन चल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, उस स्थिति में भी लगातार अपने चित्रकूट के कार्य के बारे में लगातार चिंता करना, उसको दिशा निर्देश करते रहना, ऐसी अद्भुत क्षमता जो नाना जी में मैंने देखी, मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए एक प्रकार के निश्चित रूप से रोल मॉडल बने हुए हैं और हम जितना अनुसरण उनके प्रकृति का, उनके स्वभाव का कर सके उतनी मात्रा में ही मैं मानता हूँ कि हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। नाना जी को श्रद्धांजलि देने आए केंद्रीय कृषि मंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद पवार ने कहा कि रचनात्मक कार्यों के माध्यम से देश की समस्याओं का समाधान कर नाना जी के सपनों को साकार किया जा सकता है। मेरे जैसे व्यक्ति के मन में सबसे बड़ी बात है जिसका बहुत असर हुआ है देश की गांव की समस्या दूर करने के लिए उन्होंने चित्रकूट अब सभी क्षेत्रों में जिस तरह के एक रचनात्मक कार्य का आदर्श पूरे देशवासियों के नई पीढ़ी के सामने रखा वो कभी नहीं भूल नहीं सकते।